छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। दामाद। ओफो, क्या मुसीबत है भाई। क्या मुसीबत है, क्या हो गया बेगम? अरे गटर बंद हो गया है, गटर का सारा गंदा पानी बाथरूम में भर रहा है। ओए होए होए होए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जाएं और जाकर सफाई करें। हैं? क्या मतलब बेगम? क्या मतलब, अरे कोई और जबान समझने लगे हैं क्या आप? मैं कह रही हूँ कि जाइए और जाकर गटर का मसला हल कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये कि देखिए सफाई की हद तक तो बेगम ठीक है, लेकिन ये गटर खोलना जो है ना, मेरे बस की बात नहीं है। गुलाम, आपकी ये मजाल कि आप मुझे मना कर रहे हैं। नहीं मना, क्यों मैं मना कर सकता हूँ क्या? मैंने मना नहीं किया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये गटर खोलना तो भंगी का काम है ना। अरे तो चाहिए, जाकर भंगी को बुला के लाइए। चलो ठीक है, मैं ले आता हूँ। गुलाम जाइए। अरे ससुर जी, अपने साथ साथ मुझे भी ख्वार करवा रहे। अबे यार क्या ख्वार कर रहा है यार, थोड़ी देर रुक जा यार, आने वाला होगा भंगी यार। कहाँ से आएगा, इतनी देर तो हो गई, पता नहीं कहाँ रह गया। कहाँ रह गया, आ ही रहा हूँ, अब कोई साहब आया जा यार। आप आइए, 100 रुपया दो जरा। तो क्या रखवा के गया था हमारे पास क्या? इन देने किराए दे और की दे 100 रुपये। 100 रुपये देते देते दे, क्यों देना यार, वह तो ठंडी भी नहीं है। अब तो भाई बात सुनो, अभी दे दोगे? अला यार फाड़ पो भाई। हेलो भाई, तो की हो है? मेरे 100 रुपये तो वापस करो जो लिए थे यार। कादे 100 रुपये नु नहीं दिते मोस रिक्शे वाले नु? भाई जब मैंने तुझे 100 रुपये दिए तो मुझे वापस करना भाई। यार मैं काम करना है, तुसी दिहाड़ी तो काट लेना है, दिस की गल है। ए दिहाड़ी, दिहाड़ी कौन सी दिहाड़ी, कहां की दिहाड़ी, किधर की दिहाड़ी भाई? हेलो भाई, मैनू कम करने लई बुलाया सी ना, ते का पैसे ते देने ने तुसी? ओ भाई बात सुनो भैया, हम अपने घर का काम खुद करते हैं भैया। हां गल है यार, घर च भंगी तो ही मौजूद ने, ते फिर मैनू क्यों बुलाया तुसी? भंगी किसको बोला ओए, भंगी किसको बोला? ओए आपको बोला, और किसको बोला? ओए ओए, हम तुझे शक्ल पे भंगी लग रहे हैं। लगदे ते मैनू इंसान भी नहीं तुसी। यार कह तो सही रहा है यार, ये शक्ल से सब भी नहीं लगती, पता नहीं ऐसा ही है लोग कहते हैं। ओ भाई ओ, चलो फिर मैं चलना। एक मिनट, हमारे पैसे वापस देके जाओ, ऐसे नहीं जा सकते, तुम पहले हमारे पैसे वापस करो। ओए भंगी को लो पैसे मांग रहे हो, तुहानू शर्म नहीं आउंदी है? तुम भंगी हो ना? डॉक्टर हां, ओ काम लई बुलाए सी तुसी, मैनू फोन नहीं कीता। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, अगर आप भंगी है तो रक्षे पर कैसे आई है बताएं? ए साडा स्टाइल है, स्टाइल है, स्टाइल है, भंगी है लेकिन स्टाइल है, स्टाइल। ओ भाई भंगी हो तो चलो अंदर आ जाओ, काम करो। चलो एक गल और भी दस दिया, गटर सफाई दी 500 दिहाड़ी लेना मां? 500 रुपए लेगा? अबे 500 रुपए में तो गटर नहीं बना पूरा। अरे हम तुम्हें पूरे 1000 रुपए देंगे, लेकिन तुम घर का सारा काम कर देना, मतलब सफाई। 1000 रुपए देगा बाबू? अरे मां बहुत तेज है भाई तू, आ जाइए आ जाइए। चलो ये फिर चल, आइए चलो यार। दिला ठहर जा यार दा, मार मार मार, नजारा लैन दे कोई प्यार वाली सजना नू गल कहन दे। ओ सर जी मजा आ रहा ना? वाह यार वाह, गाना तो बहुत चंगा गांदा है भाई तू। अच्छा जी, कभी गुरूर नहीं कीता। और तेरा गुरूर बनता भी नहीं है। आ, बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है? सफाई हो रही है, घर की सफाई हो रही है। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि सफाई हो रही है, मगर इसको तो आप गटर खुलवाने के लिए लाए थे या सारे घर का काम करवाने के लिए? अब वो क्या ना मम्मी जी, हमने सोचा लगे हाथों प्रोफेशनल सफाई करवा लेनी चाहिए, है ना? कैसा लगा सर, एक बार नजर घुमा के घर को देखे तो सही, ऐसा चमक रहा है, लग रहा है किसी ने सरफ से धो दिया रगड़ रगड़ के। अरे बेगम मैंने तो कंघी की है फर्श में देख के, इतना चमक रहा है। हाँ ये बात तो, सफाई तो बहुत अच्छी हुई है। बात सुनो जी, बीबी जी, ऐसा करो कि तुम आज यहीं रुक जाओ और इन लोगों को ऐसा काम सिखाओ जैसा तुम करते हो। बीबी जी मैं नहीं रुक सकता। क्यों भाई,
क्यों नहीं रुक सकते? आखिर 5,000 रुपए ले रहे हो तुम हमसे। की 5,000? 5,000 जब 5,000 वो कह रही है कि तुम्हें देंगी तो देंगी। हाँ। तुम काम करो। 5,000 ठीक है, मैं इनको सिखा दूंगा, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं रुकना मैं थे। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर इन लोगों को बिल्कुल ऐसी सफाई सिखा देना जैसी तुम करते हो। सीखो इससे काम। ओ जी सफाई तो इस तरह की सिखावांगा सारी जिंदगी याद रखेंगे ये दोनों। बस ठीक है, शुरू हो जाओ, सीखो इससे काम। सही है सही है सही है बेगम। हम चोर कहेंगे। सही है सही है। इधर 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 अरे वाह, तुम्हारे घर की सफाई कितनी अच्छी हुई हुई है, मैं तो हैरान हो गई। सच में? हाँ। थैंक यू सो 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 मच। अपनी मासी का नंबर दो। अरे ये काम मेरी मासी ने थोड़ी, मेरे पापा ने और मेरे शौहर ने किया है, वो भी भंगी के बताने पर। तो फिर अपने पापा और शौहर ही दे दो, एक दिन के लिए सफाई करा के वापस कर दूंगी। क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? मतलब कोई अपने पापा और शौहर देता है क्या? एक मेरे पापा या दूसरे मेरे शौहर? मैं नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। बस ठीक है, भंगी दे दो या उसको भी अपना बना लिया तुमने। तुम ना तमीज से बात करो मुझसे, मतलब तुम पागल तो नहीं हो गई हो? चलो उठो निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, जाओ। तुमने तो कहा था वो चाय वगैरह पिलाती हो ना जहर मिला के। उठियो कि नहीं उठियो? चलो निकलो यहाँ से। पापा दे दूं, लड्डू दे दूं, ऐसे कैसे दे दूं? हमारे घर का काम कौन करेगा? ओ भाई तुसी आज रात तक सारा काम सीख लो, मैं जाना घर। ओ कहां चला जाना है? ओ आज आज नहीं जा रहे भाई कोई, आज हमें इतना शौक नहीं है कि हम सारा काम आज ही सीख लें। और मम्मी जी ने भी यही कहा है। हाँ। ओ यार मेरी गाल सुन भाई, ओ मैं अपनी बेगम तो बगैर नहीं रह सकता, तुसी छेती छेती काम सीख लो मेरे को, मैं उधर बाहर जाना। ओ भाई ओ भगी, और समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हम क्या कह रहे हैं? नहीं जा सकते? ओ कौन रोकेगा मुझे? अरे हम रोकेंगे तुम्हें। और तुम लोग बदमाशी करोगे मेरे साथ? मैं जाकर तानी बेगम को एक एक गल दस देनी है, तुसी की कारण ले दो भी। ते मानू ये भी पता है तुसी अपना खांचा रखा है। अबे आ जा गए। नहीं 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 भाई, नहीं ऐसा नहीं करना है भंगी भाई, दो कुट्टी हो जाएगी वरना। मम्मी जी को ना वैसे ही हम पे ना एक रुपए का एतबार नहीं है। ते हुण फिर मेरी गल सुनो, अज ही अज काम सीख लो, नहीं तो ले आन दो मैनू बेगम इत्थे अपनी। अबे क्या कहा तुम्हारी बेगम? यार मेरी बेगम नू इत्थे लैंगा तो मेरे लिए कोई मसला नहीं, और जी भावे जिन्ने के दिन तुसी इत्थे रखो। किसको? हाँ ओए मैनू और किसको? भंगी भाई ये फैसला तुझे मालूम नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है, ये फैसला करती है तो तानी बेगम करती है, बता यार उसको। तो जब तानी बेगम ने फैसला करना तो मैनू इत्थे क्यों पे आए तू? जा 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 के खुद बात कर लो, जा जाओ। हाँ भाई सिखा दिया काम। ओ बीबी जी एक दिन च किन्ने सीखना, थोड़ा जिहा टाइम ते लेना है ना उसी। तो मसला क्या है, वक्त ले लो। मसला ये है जी मैं अपनी बेगम के बगैर नहीं रह सकता। तो मैं क्या करूं? जी आप मुझे एक दिन की इजाजत दें, मैं अपनी बेगम को इधर अपने साथ ले आऊं। क्या पागल तो नहीं हो गए? और बेगम साहबा तुसी मेरी गल समझो, और जिस तरह तुसी इधर दे हुक्म ना हो उसी तरह मेरी बेगम उत्थे आ, ते जे मैं अज घर नहीं बड़िया ना ते सारी जिंदगी मैनू इत्थे ही रहना पैना। ओ बड़े नखरे हैं भाई तुम्हारे। ओ जी मेरे नहीं होते बड़े नखरे ने। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ ले हो जाकर। और सुनो वो बाहर एक कमरा है ना, उसमें रहना तुम दोनों। ओ जी बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। सलाम। सुनो अजी याद रखना बस एक दिन है सिर्फ तुम्हारे पास। ओ तुसी फिकर ही ना करो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। सलाम। क्या बात है जी, वो इत्थे बह मेरी शहजादी इत्थे बहेगी। आए हाय 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 हाय, घर तो बड़ा सोना है। हाँ ते तू मैनू मिट्टी कर दे। अब मेरा मतलब है कि गल सुन, तैनू पानी ले आके दें। पानी चाय खाना सब कुछ लेके आओ।
अबे हाँ तू और क्या हुआ? क्या हुआ, क्या मकसद है यार? ये क्या बात है यार, अपनी बीवी की खिदमत में लगे हुआ तुम तो यार। और हमें क्या सिखा रहा है? सबर करना। और मैं अपनी बेगम की आगे कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है, बहुत गलत बात है ये, तुझे पता नहीं है। और मैं जाके तानी बेगम को बताता हूँ ये। और घर छोड़, तानी बेगम को बताता हूँ, मैं भी उनको तुम्हारी सारी चीजें बताऊंगा, हरकतें कि तुम करते क्या रहे हो। 5,000 नाराज क्यों हो रहे, हम तो ऐसे कह रहे थे मजाक कर रहे हैं। मेरी शहजादी के होते, मैंने नहीं खाना है दाल चावल वगैरह, मेरे पुलाव बनवाओ, वो भी घर वाला। अरे क्या, अच्छा जल्दी करो। अच्छा ठहर जा जरा एक मिनट। यार गाल सुन यार, और मेरी बीवी को पुलाव खिलाओ। तो उसे बाहर से लाके खिलाओ। बाहरों नहीं, वो कहती है कि घर का पका हुआ खाना है। तो बाहर से ले आओ, कह दो घर का पका हुआ। और यार उसको पता नहीं है कि बाहर का क्या होता है, अंदर का की होता है। हां सुन मैं भंगी, ये तेरी जो भंगन है ना, ये बहुत खाने खाती है बाहर, एहतियात कर एहतियात। अरे अब करना क्या है? पुलाव बनाओ बस, और क्या यार। अबे ओए 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 होश में है, अब तेरी बीवी के लिए मैं पुलाव बनाऊंगा। ओ चलो चल, कोई नहीं बना रहा पुलाव वाला, चलो। तो यार मेरी बात सुन, तू अपनी बेगम के लिए भी तो बनाता ही है ना, तो उसके लिए बना दे। अबे चल, मेरी बेगम में और तेरी बेगम में बहुत फर्क है यार, चलो चलो। मैं तानी बेगम को बता दूंगा, ये 5,000 दा ना चूना ला रहे ने तानू दो ही मिल के। ये बन जाए ना तो मैनू दस दई, मैं अपनी हाथी खिलाना ओनू। जी मालिक जी जी। तू नहीं, मैंने क्या किया, मुझे तो छोड़ो। तो यार ये तेरी चोरी की आदत जो है ना, वो जली करवाती है हमें यार। ऐसी तरह गुड्डू बाबा, और तू की करन दे है, और थुक्का मारी जा रहे हो देते। अबे यार साफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? इस तरह होती है सफाई? तो साफ कर रहा है भाई, ऐसे ही होता है साफ। क्यों भाई, क्या ऐसे ही होता है? चंगी तरह घर पुत्र। अरे वाह, घर तो बहुत चमक रहा है ना हनी, इसकी वजह से। मगर मामा ये है कौन? ये मोहतरम भंगी साहब हैं। इसको मैंने आज रोक लिया है ताकि इन लोगों को अच्छी तरह सफाई करना सिखाए। अब वो सब तो ठीक है, मगर ये रोजाना घर इसी तरह साफ करेंगे ना? तो देखो भाई, वादा नहीं करते थे, मतलब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा गुलाम, मैं और हनी जरा शॉपिंग करने जा रहे हैं। मगर हाँ लड्डू, मेरी बात कान खोल के सुन लो, घर बिल्कुल ऐसे ही चमकता रहना चाहिए बस। आप फिक्र ही ना करें। और गुलाम आप भी कान खोल के सुन ले। जी 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 जी। घर हमेशा ऐसे ही साफ सुथरा और चमकता हुआ रहना चाहिए। जो हुकुम हिटलर। गुलाम जो हुकुम बटलर। गुलाम जो हुकुम बेगम, जो हुकुम। हटो पीछे। अब बंदे नूं आजादी तद मिलदी है जद बेगम जावे बाहर। अबे यार लड्डू यार, ये भग्गी को भगाने की तो कोई तरकीब होगी, वो तो इस्तेमाल कर यार, इसको यहाँ से भगा। मैं क्या करूं, वैसे ससुर जी ये तो गले ही पड़ गया। अब कोई ना कोई तरकीब तो होगी इसको भगाने की यार। एक तरकीब है। क्या 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 क्या? सबर सबर करे ससुर जी, एक दिन की बात है, कल चला जाएगा। अबे यार खुद क्या काम था है जो अपनी बेगम को भी ले आया यहाँ पे। अरे ससुर जी कह तो रहा हूँ एक ही दिन की बात है, उसके बाद हम ही राजा, हम ही महाराजा। अबे ओ राजा, अबे कभी हमारी हिम्मत हुई यहाँ पर अपनी मर्जी का कुछ पका के खाने की? अब बताओ भंगन के लिए पुलाव बनाना पड़ रहा है यार। आपको याद है उस दिन आपने ही मुझे मना किया था? अब तू भी ऐसी बातें कर रहा है यार लड्डू, देख यार। अरे ससुर जी मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, मुझे लगता है आप उसी बात को सजा मिल रही है। उस बात की नहीं, मुझे इस घर में रहने की सजा मिल रही है। अरे ससुर जी दिल क्यों छोटा करते हैं आप, एक दिन है गुजर जाएगा यार। यही सोच सोच के तो मैं यार सबर कर रहा हूँ, चुप हो गया हूँ। अच्छा वो है कहाँ? अबे बेगम के कदमों में होगा। शैतान को याद किया और वो सामने आ गया। देख 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 देख। ओपना कीना तेरा, ओ गुलामू, ओ लड्डू।
क्या हुक्म है मेरे आका? और यार ऐसे तो ना बोले, बस यही होना रह गया था। ओ यार तू तो नाराज ही हो गया भाई। अबे आवाज देके क्यों बुलाया तूने मुझे ये बता। ओ यार वो बेगम को जो है ना वो चाय पीनी थी ते, खाली चाय नहीं तो कुछ खाने को भी मंगाओ। लड्डू खाने के लिए तूला, चाय इन्हें मैं पिलाऊंगा। गाछन यार मेरा मतलब मैनू दस दे, मैं आप जाके बना लूंगा। उधर बर्ची खाना किधर है? मैं उधर जाके चाय बना लूंगा। ऐसी क्या बात है भाई? ओ वोरा बर्ची खाना वोरा वो। और बात सुन, ये जो बीवी की खिदमत करने का तरीका तू हमें सिखा रहा है ना, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ हमें घर का काम बता, घर का काम सिखा। शाम को पेपर है हमारा, तभी बेगम आगे हमारा इम्तिहान लेंगी। अब भाई एक काम करो, झाड़ू लो और जाके रोड साफ करो। चलो अच्छा। अबे तूने हमें घर की सफाई की ट्रेनिंग देनी है या मोहल्ले की सफाई की ट्रेनिंग देनी है? हमें पागल समझा हुआ है? हमारे सर पे सींग है। और यार ये भी तो घर का हिस्सा होता है, मोहल्ला जो होता है। आप मोहल्ले की सफाई करोगे तो अच्छी बात है ना यार। मोहल्ला मोहल्ला होता है, घर घर होता है, समझा? ज्यादा बकबक नहीं करो, जो बूटा कह रहे ना वो जाके करो जल्दी। चलो समझो ना बस। अबे कोई नहीं समझ रहे, हम नहीं आ रही समझ में। अगर नहीं समझे ना तो फिर मैं जाके ताली बेगम को बोलता हूँ। अभी क्या बोल? वो नहीं। भाई कोई नहीं है, डन डन डन। आजा आजा बस बस शुरू कर भाई, शुरू कर दो बस। हाँ शुरू करें। इस कमबख्त आदमी के हाथों जलील होने से अच्छा है अपने मोहल्ले ही साफ कर ले। पहले इसको यूं कर लो, यूं करते हैं देखियो। ऐसे ऐसा लग रहा है पहली बार लगा रहे हो। अबे चल ना, आजा भाई आजा। ओए होए होए, अरे गुलाम भाई ये क्या कर रहे हो? अबे नजर नहीं आ रहा, अंधे के बच्चे, चश्मा लगाया हुआ है, सफाई कर रहे हैं भाई, नजर नहीं आ रहा क्या? लगता है तानी बेगम ने घर से निकाल दिया। क्या क्या बोला तेरी बेगम? इसने बात क्या किया यार, देख रहा है तू? अरे ससुर जी गुस्सा नहीं करें, जाने दे काम शुरू करें। चलो शुरू करो। अबे लड्डू नई नौकरी शुरू कर दी क्या? अरे एक ही साल में आ गए लड्डू। नहीं मतलब ये मुल्क हमारा घर नहीं है, है? हम लोग इसकी सफाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ओ भाई हमारा घर तो घर है ना, ये मोहल्ला भी हमारा घर है। हाँ और हम नहीं करेंगे ससुर जी, तो बताओ ना कौन करेगा? कौन करेगा? यहाँ पे कोई अच्छा आदमी काम करना शुरू करता है, कोई भी काम, उसकी मुखालफत करने के लिए सब आ जाते हैं। हाँ। सो उसकी बातें, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो। हम सबको मिलके साफ करना चाहिए, अपने मुल्क को साफ रखना चाहिए। सबको सबको मिलके करनी चाहिए। माफ करना भाई, आपने सही बात की। पकड़ ना बात मेरी वाली। ये ले भाई। हाँ अब मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग अब इस मुल्क की सफाई कैसे करते हो। अब देखो इस तरफ को निकाल, इस तरफ को निकाल। वहाँ से तो लाए हम। हाँ। तुम वही ले जा रहा। हाँ और आगे तक जाइयो, ये मुल्क हमारा घर है। मैं बता दूँ अच्छे से सफाई होनी चाहिए इस मुल्क की। कचरा बिल्कुल ना रहे। अरे इतनी खामोशी क्यों है घर में? मेरा ख्याल है वो अजाब कहीं चला गया। अरे चला गया क्या? हाय अल्लाह हम लूट गए, बर्बाद हो गए, मेरी सारी ज्वेलरी भी ले गया वो तो। भाई ये क्या हो गया भाई, क्या चक्कर चल रहा भाई? अरे अल्लाह क्या हुआ? वो ना ले गया, सब ले गया हमारा। हाँ और मेरी सारी ज्वेलरी भी ले गया। कौन कौन ले गए? कहाँ ले गए, किधर ले गए, कैसे ले गए ये बताओ कि घर अकेला छोड़कर कहाँ गए थे आप लोग? वो तो भंगी ने कहा था बाहर जाके सड़क पे सफाई करो, हम वहाँ चले गए थे। और आप लोग फौरन चले गए? हाँ तो मोहल्ला भी हमारा अपना घर होता है। बकवास बंद करो लड्डू। हाँ तो आपने तो कहा था कि काम करना है, तो हमने काम ही तो किया जाके। हाँ हाँ देखा था मैंने, मतलब वो दोनों लड़के काम कर रहे थे और आप लोग दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, सब देखा था मैंने। हाँ सही कहा था भंगी ने, ऐसी सफाई करूंगा कि सफाई कर दूंगा। तो क्या सफाई की है भाई, क्या सफाई की है? बस
मैंने कह दिया जितना नुकसान हुआ है ना मेरा वो सब आप दोनों भरेंगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे मम्मी जी क्या कह रही हैं आप? बस कह दिया है। मम्मा मैं छोड़ूंगी नहीं इन लोगों को। हम पापा को ना घर के बाहर बैठा देते इस घर की रखवाली करने के लिए ताकि हम दोनों तो बच जाए ना। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा मारूंगा छुरी, इतने बड़े घर में रहते हैं और तू कह रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं। तो इतना बड़ा घर इसीलिए तो रखा है जो सामान घर के अंदर ही रखेंगे कि बाहर साथ लेके थोड़ी घूमे। कभी तुम लोगों ने खाना नहीं बनाया? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। कभी नहीं बनाया ना, आज तुम बनाओगी। आपको क्या बनाना आता है? मैं ना अंडा उबाल लेती हूँ। मैं अंडा पानी में डाल सकती हूँ बस। वो ढाकुआ तो फिर कोई काम क्यों नहीं करता? तो करा तो रहा हूँ काम। एक काम तो ये कर रहा है ना, तू थोड़ी कर रहा है। चुप। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।